बड़ी शर्मनाक है बात है जनाब चेयरमैन कि जिस जुल्म और जबर और ज्यादती के साथ ख्वातीन को घसीटा गया, बेपर्दा किया गया, थानों में पहुंचाया गया, जेल में पहुंचाया गया, जनाब चेयरमैन ये मतलब क्या है ये? यानी आमदन बलूचिस्तान के अवाम को बगावत पे उकसाया जा रहा है। आमदन ज़ाहिर है कि इन ख़वातीन का भी किसी कौम से ताल्लुक़ होगा, किसी सूबे से ताल्लुक़ होगा, और ये सारा माजरा जो उन्होंने देखा उनके सामने आया और रद्द अमल भी आया बलूचिस्तान में, तो हम कहते हैं कि हमारे हुक्मरान और ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे इकदामात किसके कहने पर उठाया, जबकि मैं समझता हूं कि उनके मुतालिबात इंतहाई आइन के दायरे में, न उन्होंने कोई आइन तोड़ा, न उन्होंने कोई सड़क बंद की, बिल्कुल एक आइनी जो इख्तियार था उनका, उस इख्तियार की रोशनी में वो काम कर रहे थे, जलसा कर रहे थे, मुजाहरा कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, उनको इस तरह रद्द अमल पे उकसाना, भड़काना, ये कहाँ की दानिशमंदी है जनाब चेयरमैन? तो इस हवाले से जैसे कहा गया कि बाख्तियार कोई कमेटी हो जो इनके मुतालबात को बगौर उनका मुतालबात का जायज़ा ले, जो भी उनकी गुफ्तगू है, देखे जहाँ तक आर्मी की बात है, जहाँ तक सिक्योरिटी इदारों की बात है, उनकी अपनी पॉलिसी है, जो भी वो कहते हैं उन बातों से हमारा कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारी बात सिर्फ इस हद तक है कि इस जुल्म और जबर का तदारुक कैसे हो, और एक मनफी सोच जो बलूचिस्तान में पाया जाता है, उस मनफी सोच को मुस्बत के दायरे में कैसे लाया जाए, इस पर भी कोई मेहनत होनी चाहिए, कोई कोशिश होनी चाहिए। ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, शीरख्वार बच्चे हैं, ग्वादर से चले हैं, तुर्बत से चले हैं, हज़ारों किलोमीटर यहाँ पहुँचे हैं, कोई खुशी से नहीं है। बलोच ख़वातीन का निकलना, इस तरह मुजाहरे करना, आप जानते हैं हमारे कल्चर को, हमारे मुआशरे को, पूरे हाउस को पता है कि रात 8 बजे के करीब कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब के काफ़िले पर हमला हुआ। शुक्र है कि मौलाना साहब वो काफ़िले में मौजूद नहीं थे, घर पे थे, लेकिन गाड़ियाँ उनकी थी, लोग उनके थे, और उन पर हमला हुआ। अब ये दहशतगर्दी और तख़रीबकारी हमारे सामने थी, इसलिए मैंने इलेक्शन कमीशन के पास जाके उनसे दरख्वास्त भी की कि देखिए हम इन हालात में इलेक्शन कर रहे हैं, मुल्क में अमन नहीं है, आए रोज़ इस तरह के वाक़ियात हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के कुछ इलाक़ों में, तो अमन इलेक्शन के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया उनको कि बलूचिस्तान के शुमाली इलाके जात, खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके जात जनवरी फरवरी में सर्दी के लपेट में होते हैं, तो लिहाजा इस पर सोचा जाए कि क्या ऐसा मुमकिन है। इस तमाम तर के बावजूद अगर फिर भी आप बजिद हैं, इदारे बजिद हैं, अदालत बजिद है, इलेक्शन से कोई फ़िरार नहीं है, हम इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लेंगे, नए अज़्म के साथ, नए जुरत के साथ, और अपने मंशूर को लेकर पब्लिक के पास जाएंगे। माजी में भी हमने इस तरह के वाक़ात जो हम पर हुए हैं, हमले हुए हैं, हमने बर्दाश्त किए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब पे माजी में 3 खुदकुश हमले हुए, घर पे हमले हुए, मुझ पर हमले हुए, हमारे कायदीन पर हमले हुए, और दर्जनों के हिसाब से जय्यद उलमा शहीद किए गए। हमने उफ तक नहीं कहा, बात रिकॉर्ड पे लाया, लेकिन ठीक है, हम अपने नज़रिए और अकीदे पर कायम हैं और कोई ताकत हमें उससे हटा नहीं सकती जब तक हम जिंदा हैं। तो इस हवाले से
फिर चाहिए ये था कि जब वो हुकूमत बताती है कि मौलाना साहब आपको थ्रेट, पिछले अयाम में वजीर दाखिला ख़ुद मेरे पास आया कि मौलाना फजल रहमान साहब का जलसा है क्वेटा में, आप उसको मुलतवी करें। मैंने कहा अब दो दिन बच गए तो हम कैसे मुलतवी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें सिक्योरिटी फराहम करें, फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करें। बहुत सारे मौलाना साहब की मसरूफियात थी शहर के अलावा भी, वो सारे हमने मनसूख किए, सिर्फ जलसे तक महदूद रखे। तो जनाब चेयरमैन, ये सूरत हाल जमीयत उलमा इस्लाम के साथ चल रही है, और हुकूमत को चाहिए था कि जब आप दहशतगर्दी या जो थ्रेट आते हैं या जो लोग आपको बताते हैं, आप उनका हुलिया भी बताते हैं, शक्ल भी बताते हैं, लिबास भी बताते हैं, वज़ाकता भी बताते हैं, कद भी बताते हैं, ऐसे लोगों को फिर कठेरे में क्यों नहीं लाते, गिरफ्तार क्यों नहीं करते, या तो फिर हाथ खड़े कर दें कि जी बस मुल्क दहशतगर्दों के हवाले है, हम शोपीस है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसका नोटिस लेना चाहिए, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। बाकी तो सारे माशाल्लाह बड़े अकलमंद और दानिशमंद है, हमें नसीहतें करते हैं कि अपनी हिफाजत करो, करें कैसे करें आप, मुझे खुद उन्होंने बताया कि आपको भी थ्रेट है। मैंने, आपने मेहरबानी की, आपने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा, कैबिनेट डिवीजन को ख़त लिखा, आज तक यानी 3 महीने गुजर गए, आज तक उनका जवाब नहीं आया कि हम आपको बुलेट प्रूफ गाड़ी दे सकते हैं या नहीं। बल्कि एक लेटर में तो ये कहा कि जी आपको अलाव नहीं है। अब मेरी जान को ख़तरा है और मुझे अलाव नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ। कहते जी हम आपको वो दे देंगे, इजाज़तनामा दे देंगे, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी ख़रीदें। अब जनाब चेयरमैन, आप तो मेरे भाई हैं, साथी हैं, अब ये 8-10 करोड़ बुलेट प्रूफ गाड़ी मैं कैसे ख़रीद सकता हूँ? इसका मतलब ये है कि मैं बस दहशतगर्द के हवाले हूँ। हुकूमत ने जवाब दे दिया कि आपके पास कुछ नहीं है। तो ये हमला इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है, इसका नोटिस लेना चाहिए। दूसरी गुजारिश इस ज़मीन में आपकी खिदमत में कि बालाच बलोच, ठीक है उनकी राय से कोई इख्तिलाफ़ कर सकता है, उनकी पॉलिसी से कोई इख्तिलाफ़ कर सकता है, धरने में बैठे लोग उनकी बातों से, उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ़ कर सकता है, लेकिन जनाब चेयरमैन उनके मुतालबात तो बड़े मासूमाना हैं। वो कहते हैं कि हमारे प्यारे जो 6 साल 4 साल 10 साल से गायब हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनकी मंगनियाँ हुई, शादी और दुल्हन बैठे हुए, उनका कोई पता नहीं है। तो ये जो उनका मुतालबा है कि हमें कोई इत्मीनान दिलाया जाए कि हमारे ये प्यारे जो उठा के गायब किए गए हैं वो कब रहा होंगे, कब सामने आएंगे, किसी का जुर्म है, किसी ने किसी को कत्ल किया है, फोर्सेस पे हमला किया है, बिल्कुल उसको अदालत में पेश किया जाए, उसको जेल में दिया जाए, उसका ट्रायल होना चाहिए। अगर किसी मोड़ पर भी ये साबित हो कि ये मुजरिम है, किसी कत्ल में मुलव्वस है, तो हम हाथ खड़े कर देते। मुजरिम की कोई सिफारिश नहीं कर रहा, लेकिन वो लोग जो किसी निस्बत की बुनियाद पर उठा के ले गए हैं और आज तक वो गायब है, और ये ख़वातीन बच्चियाँ